सेंधवा शहर के प्रमुख मार्ग को दुरुस्त करने के लिए और फोर लेन बनाए जाने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र। शहर में जहां अंबेडकर कॉलोनी से लेकर शासकीय महाविद्यालय तक निर्माणाधीन फोर लेन सेंधवा शहर के लिए एक सौगात है, लेकिन आनंदम अस्पताल के पास से लेकर पीपलधार बाईपास तक और अंबेडकर कॉलोनी से लेकर इंदिरा कॉलोनी तक शहर का जो प्रमुख रोड है वह बेहद खस्ताहाल है। इस सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं और इन पर बारिश में तो चलना बेहद मुश्किल है। बारिश में जहां यह सड़क मार्ग कीचड़ से सना होता है, वहीं आम दिनों में यह उड़ने वाली धूल से लोग परेशान होते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता बीएल जैन ने इस मार्ग को फोर लेन बनाए जाने की मांग को लेकर जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है, वहीं इस बात की मांग भी की है कि जब तक यह फोर लेन नहीं बनता तब तक इसका सही मेंटेनेंस किया जाए ताकि लोगों को होने वाली दिक्कतें कम हो सके। साथ ही उन्होंने लोगों से भी अपील की है, अगर शासन ध्यान नहीं देता है तो पब्लिक को अपने स्तर से इस बात को उठाना होगा, तभी समस्या का निराकरण होगा। सेंधवा शहर में अगर हम बात करें तो शासकीय महाविद्यालय से लेकर अम्बेडकर कॉलोनी तक नगर पालिका और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर के फोर लेन रोड में इसको कन्वर्ट कर दिया है। इससे आवागमन में सुविधा भी हुई है और लोगों का काफी फायदा भी हुआ है और इससे शहर की सौंदर्यीकरण भी हुआ है। किंतु अगर हम बात करें तो महावीर कॉलोनी से लेकर के और पीपलधार बाईपास तक और अगर इधर बात करें अम्बेडकर कॉलोनी से लेकर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तक रोड की बहुत हालत खराब है। इस दोनों रोड में अगर देखें तो सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, अगर मैकेनिक नगर है, अस्पताल है, स्कूलें हैं, बस स्टैंड है, औद्योगिक क्षेत्र हैं। इस ओर जाने के लिए बहुत लोगों को असुविधा होती है और स्पेशली विजयासन मंदिर होने के कारण जो श्रद्धालु जाते हैं उनको बहुत तकलीफें होती है। इसलिए मैंने शासन से मांग की है कि इस ढाई और डेढ़ इस तरह कुल चार किलोमीटर रोड को भी फोर लेन रोड में कन्वर्ट करके इसी तरह से बनाया जाना चाहिए जैसे सिटी के अंदर से रोड भी बनाया हुआ है। इस मामले को लेकर मैंने मुख्यमंत्री, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, कलेक्टर सहित सभी लोगों को लेटर लिखा है, किंतु अभी तक इस प्रकार का मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला है। मैं चाहता हूं कि इस रोड को फोर लेन में कन्वर्ट किया जाए और जब तक ये नहीं होता है तब तक इस रोड का मेंटेन प्रॉपर तरीके से किया जाए ताकि बारिश में जो दुर्घटनाएं लोगों को हो रही है, आवागमन में अधिक समस्या आ रही है, डस्ट के कारण बीमारियां फैल रही है, इस पर नियंत्रण होना चाहिए और ये गंभीर जनहित का मामला है। इस मामले में शासन ने ध्यान देना ही चाहिए और अगर शासन ध्यान नहीं देता है तो पब्लिक को अपने स्तर से इस बात को उठाना पड़ेगा जब जाकर के ये समस्या